मुड्डा जो है ये तैयार किए जाते हैं यहाँ पर, और ईद का ये खास तोहफा है। कोको कटर दिखाऊंगा हाथ वाला, और क्या महाराष्ट्र जो है ये मुड्डा काट रहे, लकड़ी काट रहे, सेकेंडों में लकड़ी कट जाएगी। कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। विवर ईद की मुनासिबत से, बकरा ईद की मुनासिबत से आज हम लोग मौजूद हैं काल पर, और यहाँ काल पर जो है होलसेल के हिसाब से मुड्डे फरोख किए जाते हैं। होलसेल के हिसाब से इसलिए फरोख किए जाते हैं क्योंकि यहीं कटते हैं और यहीं बनते हैं, और मेरा ख्याल है सप्लाई भी कराची में ज़्यादातर यहीं से होते हैं क्योंकि होलसेल के हिसाब से देते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अच्छा विवर, अभी हम लोग मौजूद हैं काल पर, और ये काल है शफीक मोड़ पर, शफीक मोड़ सोराब रोड थोड़ा सा आगे। यहाँ पर जो है होलसेल में ये इसके मुड्डे बोलते हैं मुड्डा जो है ये तैयार किए जाते हैं यहाँ पर, और ईद का ये खास तोहफा है जो लोग जो है ईद पे लेते हैं। हमारे साथ है सलीम भाई। सलीम भाई अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा सलीम भाई, मैंने बहुत कम जगह पे कराची में देखा है जहाँ पे होलसेल के हिसाब से बन रहे हैं ये मुड्डे। ये आप किस हिसाब से देते हैं मुड्डे? ये 1500-1600-2000 मतलब जितना वजनी होगा, जितना बड़ा होगा उस हिसाब से कीमत होगी, उसके हिसाब से वो वजन ज्यादा होते हैं। जितना वजन ज्यादा होगा। अच्छा वजन से देते हैं? हाँ वजन से देते। कम से कम कितने किलो का वजन होता है? 10 किलो भी होते हैं, 20 किलो भी होते हैं, 30 किलो भी होते हैं, 12 किलो भी होते हैं, 8 किलो भी होते हैं। क्या किलो पड़ता है? ये पड़ते हैं होलसेल के हिसाब से 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो आप किलो के हिसाब से देते हैं। लकड़ी कौन सी होती है सलीम भाई? केकर। केकर कौन सी? केकर का लकड़ी है, बबूल का लकड़ी है। बबूल का, बबूल का लकड़ी है। लकड़ी सूखा हुआ होता है? सूखा वो पिछले महीने का से। आप ये 12 महीने काम करते हैं या सिर्फ ईद पे काम करते हैं? ये साल 12 महीने काम। 12 महीने से मुड्डे बनाते हैं? नहीं, और इसके अलावा क्या करते हैं? फर्नीचर का काम करते हैं। फर्नीचर? हाँ। अच्छा, कहाँ फर्नीचर का काम और कहाँ मुड्डे का काम, बहुत फर्क नहीं है? बहुत सीजन है, यही चला रहे हैं। अच्छा, अभी सीजन है, यही चला रहे हैं। तो फर्नीचर का करते हैं? फर्नीचर का काम कहाँ करते हैं? हमारा जो है ना वो पक्का काम नहीं है। नहीं, पक्का काम नहीं है, कंपनी का माल नहीं लेते, पक्का काम नहीं है हमारा। नहीं, फर्नीचर का काम कहाँ करते हैं मैंने पूछा आपसे? इधर काटते हैं, जो ऑर्डर दे देते हैं, काटते हैं, नहीं होता तो बस बैठा रहते हैं, 4 दिन भी बैठा होते हैं। ऑर्डर पे बनाते हैं? ऑर्डर पे बनाते हैं। और ये अंदाजन हमारा कितना बिक जाता है इसके सीजन में मुड्डा? बस काम के ऊपर होता है। आजकल जो है ना महंगाई अभी कम नहीं कर रहे, महंगाई वैसे लोग कम दे रहे हैं, पुराना इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी वही पुराना मुंडी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कोई नहीं ले रहे। अच्छा, नया नहीं ले रहे लोग? कोई नहीं ले रहे। विवर देख लीजिए, अच्छा यहाँ पे जो है बिल्कुल लकड़ी उतर रही है, और यही पे इनको गोल गोल काटा जा रहा है, और यही पे इनके मुड्डे बनाए जा रहे हैं। मुड्डे जो है 50 रुपए किलो के हिसाब से देते हैं ये, और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा प्रोसेसिंग का दिखा दूँ। ये देखिए विवर, यहाँ पे मुद्दा कट रहा है, मशीन लगी हुई आ रहा है, आपको देखो देखो ये अब जा रहा है कटने के लिए। अब मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाता हूँ, देखिए आरा मशीन यहाँ लगी हुई है। ये पूरी टाल जो है मेन रोड पर ही है, और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं शफीक मोड़ पर। शफीक मोड़ पे बिल्कुल मेन रोड पर ये ताल है सलीम भाई की। मैं आपको थोड़ी सी करीब से जो मुड्डा इनका दिखा देता हूँ। 50 रुपये किलो जितना वजन होगा मुड्डे का, उसी हिसाब से जो है ये उसका बनेगा। एक सलीम भाई तोल के दिखा दूंगे, एक मोटा छोटा मोटा तोल के दिखाएंगे क्या वजन रहता है छोटे मोटे का। इधर एक मोटा जो है मैं आपको छोटा तोल के दिखाते हैं, ये हमने छोटा मोटा रखा है, ये तकरीबन 5.5 किलो का है। 5.5 किलो के हिसाब से इस मुड्डे कितने पैसे लेंगे? 250 रुपये। देखिए वो सिर्फ 250 रुपये में मुड्डा मिलेगा, लेकिन ये मुड्डा जो है घर के इस्तेमाल के लिए, समस्या इस्तेमाल के लिए नहीं है ना? घर के इस्तेमाल ज्यादा तो कोई इस्तेमाल कर सकते नहीं, मतलब छोटा होता तो समस्या इस्तेमाल नहीं आता, वो घर का इस्तेमाल नहीं आता, ऐसे ही होता है ना। बिकॉज यहाँ पर जो है जितना आपको चाहिए होलसेल के हिसाब से मिलेगा। अच्छा सलीम भाई, अगर कुछ ज्यादा क्वांटिटी में लेगा तो पैसे कम हो जाएंगे उसके? इंशाल्लाह कम होगा। कितना फर्क आ जाता है तकरीबन? बस 100-150 रुपये पर हजार। देख लीजिए, अगर होलसेल में इनसे ज्यादा क्वांटिटी में अगर माल उठाया जाएगा, ऑर्डर दिया जाएगा, तो ये जो है आपको रियायत भी कर देंगे। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आपको 12 रुपये शफीक मोड़ पर, और यहाँ लगा है आरा मशीन, और यहाँ पर ईद के सीजन के हिसाब से मुड्डे तैयार किए जा रहे हैं।
रिवर्स में कोशिश करता हूँ कि आपको जरा करीब से दिखाऊँ कि आराम मशीन पे किस तरह जो है इसको रखा जा रहा है और किस तरह इसको काटा जा रहा है। अच्छा भाई विवर जी देखिए हमारे शहीद भाई जो है सेंसा से जो है एक तो मैंने कोई कटर दिखाया अपना कोई कोई कटर दिखाया ये हाथ वाला और क्या महाराष्ट्र से जो है ये मुद्दा काट रहे लकड़ी काट रहे सेकेंडों में लकड़ी कट जाएगी। ये तो जबरदस्त मशीन है भैया तो सेकेंडे पूरी से पूरी छाल काट दी पूरी जबरदस्त देखेंगे सर एक मशीन वहाँ लगी है बड़ी और एक मशीन उनके हाथ से काम कर रही है और ये सेकेंडों में पूरी पूरी जो है पूरा कमी काट रही है। ओ वाह भाई जबरदस्त सेकंड में आपने पूरी लकड़ी काट दी भाई ये तो जबरदस्त मशीन है। व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियोस को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।